हमेशा से एक नेशनलिस्ट रहा है। हम ऐसे नहीं है कि सामने इंडिया जिंदाबाद करो, पीछे कुछ और करें। हम हमेशा से इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही रहे हैं, इंडिया के सपोर्ट में रहे, एक सच्चे नेशनलिस्ट रहे हैं। कश्मीर से एक ऑर्डर जारी किया जाता है कि आप किसी भी पैकेज के तहत जो है वो जॉब पर लगे हैं, और अगर आप जम्मू में बैठे हैं तो आपकी जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक होगी, यानी आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस अगर होगी तभी जो है वो आपकी सैलरी जो है आपके खाते में आएगी। तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो है वो कश्मीर वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि इनके वहाँ पर हालात सामान्य नहीं है, और ये नहीं चाहते कि जिस तरह से बहुत से टारगेटिंग किलिंग का शिकार हुए, ये भी टारगेटिंग किलिंग का जो है वो शिकार हो। लेकिन यहाँ पर तमाम हजारों की तादाद अगर बात करते हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से ऑर्डर जो जारी किया गया है जिसके तहत जो है वो बायोमेट्रिक लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप सब जम्मू में बैठे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इजीली पता है कि आप जम्मू में, और आपके प्रोटेस्ट को भी 151 दिन हो गए हैं, आपसे कोई मिलने आया इस 151 दिनों में? देखिए मैम, सिर्फ एक बार हमारी मीटिंग हुई थी एलजी सर से, वो भी जब हम कश्मीर में प्रोटेस्ट करे थे तब। उसके बाद जब किलिंग्स बढ़ गई तो हम जम्मू आ गए, तब से हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से कोई नहीं आया है। हम चाहते थे वो हमसे बात करे, वहाँ नेगोशिएशन हो, हम क्या चाहते हैं हम अपनी बात उनके आगे रखें। देखिए ये तो पक्का है कि वो रोज हमें देखते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स रोज इस प्रोटेस्ट को कवर करे, उन तक बात जा रही है, मगर वो पता नहीं क्यों गूंगे बहरे बने हुए, हमें नहीं पता। अब ये सर्कुलर निकाला गया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बिना हमारी सैलरी रिलीज नहीं होगी, तो मैं डिवकॉम कश्मीर से यही बात कहना चाहूंगी, सर आप कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी ऑर्डर्स निकाल लीजिए, कश्मीरी पंडित अब बलि का बकरा नहीं बनेगा। आप लोग जानते हैं कि इन्हीं ऑर्डर्स से हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम अर्निंग सोर्स हमारे पास एक ही है, वो हमारी सैलरी है। आप हमारी सैलरी रोकेंगे तो बंदा मजबूर हो जाएगा जाने के लिए, मगर इस बार क्योंकि किलिंग्स का सवाल है, हमारी जानों का सवाल है, हम वापस नहीं जाएंगे। सैलरी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारा हक है, नहीं देंगे तो भी हम वापस नहीं जाएंगे। आपकी सैलरी को बंद कर दिया जाता है तो सर्वाइवल में कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए मैम, हमारी फैमिली में जो अर्निंग का एक जरिया है वो सिर्फ हमारी सैलरी है। 2010 में जब पैकेज अनाउंस हुआ तो उस टाइम पे हम लोगों को नीड थी, हमारी नीड को एक्सप्लॉइट किया गया, हमें वहाँ वापस बसाने का वादा किया गया, बट रिहैबिलिटेशन तो हुआ ही नहीं, हम लोगों को एकोमोडेशन तो मिली नहीं। हमें वादा किया गया जिनको एकोमोडेशन नहीं मिलेगी उनको लाख रुपया पर साल मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, मगर हमने तो कुछ भी नहीं लिया। कि जो पुरानी सरकारों ने किया है ये सरकार भी सेम वही कर रही है, कश्मीरी पंडित को एज ए बलि का बकरा इस्तेमाल कर रही है? जी मैम, हमारा यूज सिर्फ वोट कमाने के लिए किया जाता है, बट हमारे लिए अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कभी कुछ नहीं किया गया। पुरानी सरकार, नई सरकार, सारी सरकारें अपना पॉलिटिकल पर्सनल बेनिफिट निकाल लेती हैं, हमारा नाम यूज करती हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं तो हमारा नाम यूज किया जाता है, बट ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए कभी कुछ नहीं। जैसे मैं देख रही हूँ तकरीबन 500-700 लोग हो गए, ऐसे हजारों होंगे जो यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे में जब अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर करती है वहाँ पर जाने के लिए, सारे यूनाइट होकर यहाँ पर रहेंगे या जिस तरह से कई साथी बोलते हैं हम जाना चाहते हैं तो वो जा पाएंगे? मैम ये आपके सामने बड़ी एग्जाम्पल है, एक ऑर्डर वहाँ से आया और इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा है, तो ये डिवकॉम जी के लिए एक, मैं बोलूंगी एक तमाचा ही है एक तरह का, कि आप एक ऑर्डर निकाल रहे हैं और हम इतने लोग यूनाइट हो रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, दूसरा लेवल का ऑर्डर निकाल लीजिए, 1000 की जगह 2000 लोग यहाँ प्रेजेंट होंगे, हम वापस नहीं जाने वाले। अब जो टारगेटिंग किलिंग हुई आपने देखा, किसी को भी अभी तक जस्टिस नहीं मिला वहां पर, कोई भी हालातों में जिस तरह से सुधार की बात करते हैं, आप यहां पर बैठे हैं, क्या हालात वहां पर सुधरे हैं आपसे? मैम हालात सुधर रहे नहीं है, पहले जैसे थे अभी भी वैसे और आगे भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि पिछले 12 सालों में हम ये सुनते आए हालात सामान्य हो रहे हैं, हालात सामान्य होंगे, क्योंकि हर साल हमें सुनने में आता है फिगर है 200-250, वो कभी कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आप 4 टेररिस्ट को एक दिन में मारते हैं, अगले दिन फिर वो फिगर वहीं पहुंच जाता है, जितने लोग मारे नहीं जाते उतने तो ये टेररिज्म ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके पास पॉलिसी तो है ही नहीं। जब आप पॉलिसी लेके आएंगे, जब वहाँ हालात बिल्कुल सामान्य होंगे, टेररिस्ट का जो नंबर है वो जीरो हो जाएगा, तो हमें वापस ले जाएंगे। सरकार से कोई उम्मीद? सरकार से ही उम्मीद थी मैम, तभी हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम चाहते थे, क्योंकि जो एक कश्मीरी पंडित है वो हमेशा से एक नेशनलिस्ट रहा है। हम ऐसे नहीं है कि सामने इंडिया जिंदाबाद करो, पीछे कुछ और करें, हम हमेशा से इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही रहे हैं, इंडिया के सपोर्ट में रहे, एक सच्चे नेशनलिस्ट रहे हैं। बट हमें सवाल, जितने भी वो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज के टीचर्स थे वो पनामा चौक में थे, रविंदर रैना जी उनसे मिलने गए थे, क्या आप तक भी पहुंचे? क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरी बहनें जो हैं वो प्रोटेस्ट पर बैठी हैं, करवा चौथ और दिवाली जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं, इसीलिए वो जो है उनसे मिलने गए हैं, तो आप भी यहाँ पर है, करवा चौथ आपके लिए भी है, दिवाली आपके लिए भी है, तो क्या आप तक आए?
जी मैम उनसे हमें भी आश्वासन मिला है कि वो यहाँ पे भी आएंगे, तो होपफुली आज कल कभी भी वो यहाँ पे आएंगे, बट हाँ वो हमारे सपोर्ट में ही है, हमें उनके एंड से सपोर्ट ही मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि वही हमारे लिए कुछ करेंगे, क्योंकि अभी वो पावर में है तो उम्मीद उन्हीं से है कि वो हमारे सपोर्ट में कुछ करें। 151 दिन हो चुके हैं आपको कंटिन्यूसली आप यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उसके बीच में एक सर्कुलर जो है अब लगता है कि सरकार की स्ट्रेटजी है कि आप वापस जिस तरह से भी दबाव से ज्वाइन करें, तो क्या इस बार आप किसी के दबाव में आने वाले? मैम सबसे पहले तो जो ऑर्डर आया है कल का, हम इसको टोटली बॉयकॉट करते हैं। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट फॉर इवन फॉर अ सेकेंड। हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये तभी उठेंगे यहाँ से जब डिवकॉम साहब अपना ये ऑर्डर वापस ले लेंगे। अगर वो ना ले? मैम हम यहीं पर बैठे हुए हैं, आप नहीं जाएंगे? हम यहीं यहाँ से उठकर जाएंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो जो बीच में बायोमेट्रिक उन्होंने कहा, उन्होंने जो बायोमेट्रिक की बात कही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ उनको अगर बायोमेट्रिक लगानी है लगाए, अटेंडेंस लेनी है ले ले, बायोमेट्रिक वो यहाँ पर लगा सकते हैं, हमारी अटेंडेंस ले सकते हैं, हमको काम करने में कोई परेशानी नहीं है, हम काम करेंगे ठीक है। अगर हमने पहले भी बताया है कि हम सुपर न्यूमरेटरी पोस्टों के तहत अपॉइंटेड हुए हैं, अगर उनमें अगर उनको सुपर न्यूमरेटरी का अर्थ पता नहीं है, मैं दोबारा कह लेता हूँ कि हम स्टेट कैडरी के अंदर नहीं आता है, हमारा जो फंड है वो डायरेक्ट सेंटर से आता है, हमें कोई भी सर्विसेज हमने अपॉइंट नहीं की होती है, वी आर ओनली अ हेल्पिंग हैंड टू द गवर्नमेंट। अगर हम उसके बावजूद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड देने को तैयार है, यहाँ 10 से 6 देने को तैयार है, पर हम कश्मीर में इस स्थिति में जाने को तैयार कतई नहीं है। लेकिन ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन ये जानती है बहुत ही कि आप सब लोग जो है वो जम्मू में हैं, ऐसे में जिस तरह से वहां पर जो आपकी जॉब्स हैं, क्या उसके ऊपर वो कश्मीर के लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकते? मैम हमारी जॉब्स एक्चुअली सुपर न्यूमरेटरी पोस्टों के तहत आई है, ये हमारे लिए ही एक पैकेज निकाला था गवर्नमेंट ने, इकोनॉमिक का पैकेज था, तो इसमें वो किसी दूसरे को अपॉइंट नहीं कर सकती है। लेकिन आप अपनी सर्विसेज जम्मू में देना चाहते हैं? हम सब यहाँ पर ही देना चाहते हैं, हमें वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है, हम पिछले 151 डेज से यही चीज इन डिवकॉम साहब को समझा रहे हैं, और आप इनकी अनसेंसिटिवनेस देख लीजिए, इन्होंने उसके बावजूद भी ये ऑर्डर निकाला कि हम यहाँ पर मतलब कितनी धूप में बारिश में सारे बैठे हुए हैं, पर इन पर कोई असर नहीं है इस सरकार पर। अभी फाइनली मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से एक शॉर्ट नोटिस पर आपको ये सर्कुलर जारी कर दिया ताकि आप लोग जो है वो प्रेशराइज हो जाएं, तो ऐसे में आप सबने क्या फैसला किया? मैम छोटी सी बात है, या तो डिवकॉम साहब ये ऑर्डर वापस ले ले, हम यहाँ से उठने वाले है ही नहीं, हम कश्मीर जाने वाले है ही नहीं। तो साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि ये कश्मीर जो है वो वापस नहीं जाएंगे, जहाँ तक बात करते हैं ये अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने के लिए जम्मू में है, और ये चाहते हैं अगर बायोमेट्रिक चाहिए तो आप यहाँ कहीं पर इंस्टॉल कर दें तो आपको हम दे दें, लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी थ्रेड है और टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, इसलिए कश्मीर घाटी वापस नहीं जाना चाहते। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान से तलाश।